हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीनाज किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं राज कचौड़ी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने मूंग की दाल को भिगोकर रख लिया है और इसको धो लिया है। और मूंग की दाल को मिक्सी में पीसकर मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और एक बड़ा चम्मच सूजी मैंने इसमें ऐड की है और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। और इसे मिक्स करके इसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। और इसके बाद मैं इन्हें पानी में डाल दूँगी, जैसा कि हम दही बड़ों के लिए बनाते हैं सेम उसी तरीके से। और इन पकौड़ियों को बनाकर मैं साइड में रख दूँगी। और उसके बाद हम कचौड़ी के लिए आटा लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और बाउल में मैंने एक छोटी कटोरी सूजी और यही वाली कटोरी मैंने मैदा ले ली है, यानी कि दोनों चीज़ें बराबर मात्रा में ली हैं। और उसके बाद मैंने इसमें कुछ नमक डाला है, आधा छोटा चम्मच नमक इसमें डाल दिया है और एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर इसमें डाल दिया है और एक चम्मच के करीब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। और ऑयल डालने के बाद इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो इसके लिए हम टाइट डो ही तैयार करेंगे क्योंकि कचौड़ी हमें बिल्कुल क्रिस्पी तैयार करनी है। तो आटे को अच्छे से गूंथ कर और ढक कर के रख देना है। इसको कुछ टाइम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं ताकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। दस मिनट हो चुके हैं लगभग, तो आटे को चेक कर लेते हैं और इसको एक बार फिर से थोड़ा गूंथ लेते हैं ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम हो जाए। तो इसको अच्छे से गूंथ लेते हैं एक बार फिर से। और इसके बाद मैंने एक रुमाल बिछा लिया है और इधर इसके ऊपर एक थाली रख ली है और आटे की एक बड़ी लोई बनाकर इसको बेलन की मदद से इस तरह से बेल लिया है। और इसको मैंने पतला ही बेला है, मोटा नहीं बेलना है। जैसे कि हम गोलगप्पे बनाते टाइम बेलते हैं तो गोलगप्पों से थोड़ा मोटा इसको मैंने बेला है। और ये बड़े साइज़ का ग्लास मैंने ले लिया है और ये कटोरी, और किसी भी साइज़ से आप इस तरह से कट करके, मैंने ग्लास से ही कट कर लिया है। और आप चाहें तो छोटी लोइयां बनाकर भी बेल सकते हैं, बट मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगता है और इससे बहुत ही बढ़िया कचौड़ी हमारी बनती हैं, तो मैंने इसी तरीके को यूज़ किया है। और ऑयल को तेज़ गरम करना है स्टार्टिंग में और बाद में फ्लेम को लो कर देना है और इन्हें हमें लो फ्लेम पर ही सेकना है। इस बात का आप ध्यान रखें, तभी हमारी कचौड़ियाँ एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। और इनको लो फ्लेम पर पलटते हुए सेकना है। तो इस तरीके से हमारी कचौड़ियाँ एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होती हैं और अच्छे से फूल भी जाती हैं। इनको फूलने के लिए स्टार्टिंग में ऑयल का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया कचौड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है और एकदम क्रिस्पी बनी है। और मैंने इन्हें दोनों साइड से पलट पलट कर सेक लिया है। और अब हम इन्हें प्लेट से बाहर कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं प्लेट में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया क्रिस्पी पूरियां हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। और इसी तरह की हमें चाहिए राज कचौड़ी बनाने के लिए। तो मैं आपको दो और भी फ्राई करके दिखाती हूँ।
प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।